कभी बहुत बड़ी समस्या हो जिसका कोई समाधान करने पर भी समाधान हाथ न लगा हुआ हो, वैसे मनुष्य को 5 सोमवार भगवान शिव का पाशुपति व्रत करना चाहिए। नियम व्रत करें उस दिन सोमवार का, कुछ न खाएं और सुंदर शिव व्रत करने के बाद संध्या के काल में घर से गोल बत्ती के 5 दीपक घी के बनाएं, गोल बत्ती के 5 घी के दीपक और 5 दीपक बनाएं, घर से खीर का प्रसाद बनाएं भगवान के लिए, जल चढ़ाने के लिए भगवान को दूध ले जाएं, जल ले जाएं, दही शहद आदि लेके शाम के समय, संध्या के समय आप शिव के मंदिर जाएं, शाम के समय भगवान के मंदिर जाएं और भगवान के मंदिर में जाकर के आप भगवान का अभिषेक करें, जल से, दूध से, शहद से, दही से, घृत से, और फिर पुनः जल से अभिषेक करके भगवान को चंदन लगाएं, चंदन लगा करके आपके द्वारा बनाए गए वो 5 दीपकों को मंदिर में ही जलाएं। घर से जो मीठे का प्रसाद आप लेकर गए हैं, उस मीठे के प्रसाद का 4 हिस्सा करें, 3 हिस्सा मंदिर पर चढ़ाएं, 1 दीपक भगवान के पास रखें, 4 हिस्से में 1 हिस्सा प्रसाद रूप में आप ले लें, 4 दीपक बच जाएंगे, 2 दीपक भगवान के मंदिर के दरवाजे रखें और बचे हुए 2 दीपक मंदिर से जला करके अपने घर के दरवाजे रखें और उस प्रसाद का सेवन करें केवल 5 सोमवार। ऐसा करने से बड़ी विपदा, कोई ऐसी क्रिया जिससे भगवान रूठ गए, कोई ऐसी समस्या जिसका कोई समाधान ना हो रहा हो, ऐसे 5 पाशुपति व्रत करने से मनुष्य के जीवन में भी शांति आती है, भगवान प्रकृति का कोप शांत होता है। क्योंकि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं।